करंट एंड वोल्टेज रिले, PUA01 वोल्टेज एंड करंट रिले, जिसकी सेकंड यहाँ से सेट की जाते हैं लेवल इसके। अभी इसी में कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसका ये सर्किट है। तो सर्किट में अभी बिल्कुल इंडिकेशन नहीं हो रही, इसकी इंडिकेशन ऑन नहीं हो रही। पावर सप्लाई देते हैं तो इसके सर्किट के मुताबिक जो होती है, इसमें दो सप्लाई जाती हैं, दो और दस के ऊपर 230 है और 11 और 10 के ऊपर 115 है। तो अभी ये 115 पे ऑन हो रही है, 220 पे नहीं हो रही। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। अभी इसके ट्रांसफार्मर को ओपन किया है तो अभी ये ट्रांसफार्मर इसका प्रॉब्लम कर रहा है। ये जो इसकी है ना, वो कह रहा है कि आपकी सप्लाई जो है ना 2 और 10 के, ये इसकी बेस बनेंगे, बेस के ऊपर कंप्लीट नंबरिंग हुई है ऑलरेडी। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारे बेस के नंबर क्या है, तो वहाँ पे आपने सप्लाई देनी है। इसकी ये बेस है, कंप्लीट नंबर इसके ऊपर लगे हुए हैं। अभी इसकी ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये है यहाँ पे इसको 1 और 3 के ऊपर जो है वो 115 वोल्टेज है, और 1 और 3 और 5 के ऊपर ये मेरा 230, जिसने ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी ट्रांसफार्मर के ऊपर। इसका ट्रांसफार्मर डेड होने की वजह से ये 110 चलता है और 220 नहीं चल रहा। ये ऊपर बता रहा है आपको ना सही तरीके से भाई, हमारे 110 पे कितने नंबर बचा रही है, 230 पे कितने बचा रही है। तो ये इसकी अभी ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम है, ये वोल्टेज और करंट रिले है। तो इंशाल्लाह इसके ट्रांसफार्मर को नया डाल के फिर इसको ऑन करवाएंगे। वैसे डायरेक्ट सप्लाई दे के इसको चेक कर रहे हैं कि 12 वोल्ट किसी बड़े ट्रांसफार्मर से देकर इसको ऑन करवाते हैं। अभी इसको बगैर ट्रांसफार्मर से ऑन करवाते हैं, इसकी पावर लाइन है उसकी एलडी, क्योंकि ट्रांसफार्मर ना होने की वजह से ये हमारी सप्लाई नहीं जा रही। अभी हमने आउटसाइड पे डीसी 12 वोल्ट लेकर इसकी इंडिकेशन को ऑन करवाया, तो अभी ये पावर की इंडिकेशन ऑन करवा रहे हैं। देखो ये ऑन हो गई, तो ट्रांसफार्मर डेड होने की वजह से अभी इसको नया ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो इंशाल्लाह इसको ऑन कराएंगे, तो इसकी जो ग्रीन इंडिकेशन है वो भी ऑन हो जाएगी। ग्रीन इंडिकेशन यहाँ से ऑन होती है इसकी, मेन पावर की सोर्सेस की जो रिले है ना उसको ऑन होना चाहिए। तो इसको नया ट्रांसफार्मर लगा के फिर इसका दोबारा काम करेंगे पार्ट 2 के ऊपर। मेरी वीडियो आपको पसंद आई, ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।